सत श्रीकाल दोस्तों, आप सब का साडे चैनल विच बहुत बहुत स्वागत है जी। अज असीं तुहाडे लई लैके आए हां सतवीं जमात दा अंग्रेजी दा मॉडल टेस्ट पेपर क्लास सैवन पेपर इंग्लिश। आओ देखते हां पेपर दा पैटर्न किस तरह दा रहेगा ते किस तरह दे प्रश्न आ सकते हैं। कुल समा होएगा 3 घंटे दा ते कुल मार्क्स होणगे 80। सब तो पहला आया सैक्शन ए रीडी कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। इहनां दित्ते गए इक पैरा दित्ता गया है, पैरे दे नीचे तुहाडे कोलों 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हरेक प्रश्न दे 1 नंबर हैं, सो उपर दिए गए पैरे विचों प्रश्न पढ़ना है तो हेठां दिए गए 4 ऑप्शनों विचों जिहड़ा भी सही है उस उत्ते सही का निशान लगाना है। इसनों चंगी तरह पढ़ लेना तो फिर इस विचों ही पैरे विचों ही तुसीं आंसर लभणे हैं। सो यह है 5 नंबरों का। फिर है नंबर 2, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। हेठां दिए गए एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर नाल जुड़े नीचे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हरेक दे नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं, जेड़ा भी सही लगता है उस उत्ते टिक लगा के तुसी इसनों करना है। ये अक्सर ही पूछ लिया जाता है। सो आओ देखते हैं किस तरह का उपर जिदा पिक्चर दी गई है। एक ट्रैफिक सिग्नल है, स्टॉप वेट दे गो दा लिखा गया है। सो नीचे पहला प्रश्न है, वट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। साढ़े को ऑप्शन ने ए ट्रैफिक पुलिस, बी ट्रैफिक लाइट, सी स्ट्रीट लाइट, डी स्ट्रीट हॉकर। सो इस तस्वीर में पूछा गया है वट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो सामने तातु दसी गई है ये की है। सो इस आंसर है स्ट्रीट लाइट नंबर सी। सो इस उत्ते टिक लाना है। नंबर 2, वेयर डू वी सी फाइंड दिस ऑब्जेक्ट। इस वस्तु नु असीं कित्थे देख सकते हैं। साडे विकल्प ने नीचे ऑप्शंस ने ए इन द हॉस्पिटल, बी इन द पार्क, सी ऑन द रोड, डी इन द ड्राइंग रूम। सो इस आंसर है सी ऑन द रोड, साढ़े को देख सकते हैं। फिर है नंबर 3, दिस ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू, ये वस्तु किस नाल रिलेटेड है। साढ़े ऑप्शन ने ए रूल्स ऑफ रोड, सी रूल्स ऑफ स्कूल, रूल्स ऑफ होम, डी रूल्स ऑफ होटल। सो किस नाल है, इहदा ऑप्शन है ए रूल्स ऑफ रोड, सड़क नाल जुड़ी हुई है। सो प्रश्न नंबर 4, विच लाइट सेज अस टू स्टॉप। केड़ी बत्ती से सानू रुकना चाहिए है या केड़ी बत्ती सानू दसदी है वी रुक जाओ। साढ़े ऑप्शन ने ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो, डी वाइट। सो इसका जवाब तुम सारे पता ही होगा ए रेड है। सी नंबर 5, येलो लाइट सेज अस टू डैश। ए स्टॉप, बी गो, सी वेट, डी रेस्ट। सो जो येलो लाइट होंगी है सो इसका मतलब की है तुसी वेट करो, सी वेट, वेट फॉर योर टर्न। नंबर 3, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਂਸਰ ਐਨੀ 3 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ 3 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 1, ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ। ਇਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਕਲਪਨਾਸ ਲੌਂਗ ਚੈਰਿਸ਼ ਡ੍ਰੀਮ ਫੁਲਫਿਲਡ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਲੈਸਨ ਰੀਚਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਵੈਨ ਡਿਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਮਿਟਿਡ ਟੂ ਅਦਰ ਥੈਫਟ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਅਕਲੀਮ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਰਾਜੂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਅਰ ਫੋਰਸ। ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਕਿੰਗਸ ਸੋਲਜਰ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡਰੋਸੀਸ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਆਲਵੇ ਰੀਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 5, ਗਿਵ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ 4 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡਸ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੀਚੇ 4 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਲਾਇਨ ਕੈਪਟ ਡੈਸ਼। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ ਦ ਲਾਇਨ ਕੈਪਟ ਰੋਰਿੰਗ, ਦੇਅਰ ਸਕੂਲ ਹੈਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫੋਰ ਦ ਡੈਸ਼ ਵਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਡੈਸ਼ ਜੀਨ ਪੈਰਿਸ ਹੈਰੀਸਨ। ਕਲਪਨਾ ਮੈਰਿਡ ਜੀਨ ਪੈਰੀ ਹੈਰੀਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, हेठां दिते गए शब्दों नूं वाकां विच वरतना है। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद ऑपोजिट मीनिंग इन कॉलम बी, हेठां दिते गए शब्दों विचों सामने दिते गए ए कॉलम विच दिते गए शब्दों विचों बी दिते गए शब्दों के विरोधी शब्द लभणे हन, जिवें बिग, बिग दा आएगा टाइनी, सो इस नाल टिक करांगे, ड्राई दा आएगा वेट, विनर दा आएगा लूजर, ते ओपनिंग दा आएगा क्लोजिंग, एक बड़े ही आसान हन तुसीं कर लेना। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन एनी टू, हेठां दिते गया एक पोइट्री विच स्टैंजा आया है, हेठां दिते गए तीन प्रश्न विचों दो दे जवाब देने हन, जिहड़े भी चंगी तरह ध्यान कर लेना। नंबर 10 आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हैं, चार चार नंबर दे हैं, तिना विचों किसी भी दो दा जवाब तुसीं देने आंसर देने हैं, चंगी तरह कर लेना, देखते हैं किहड़े किहड़े आते हैं। व्हाट डिड द फॉक्स सी, ये आया है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स विचों। नंबर 2 वेयर इज द आइसक्रीम मैन जनरली सीन, सो द आइसक्रीम मैन विचों आया है। नंबर 3 व्हाई डिड द आइसक्रीम मैन मूव स्लोली विद हिज कार्ट, ये भी द आइसक्रीम मैन विचों आया है, एक बार इन तिना चंगी तरह कर लेना, अक्सर आ जाते हैं। फिर है सैक्शन सी, ये है ग्रामर एंड कंपोजिशन, डू एज डायरेक्टेड, चूज द करेक्ट एंड कलेक्टिव नाउंस, अ बैंड ऑफ डैश म्यूजिशियन एंड सेलर्स, अ द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड ग्रेप्स, सो कलेक्टिव नाउंस करने हैं इन्हों विचों। फिर है चेंज द जेंडर, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, इस तरह सारे के सारे ग्रामर न जुड़े हुए हैं, तुम कर लेना एक बार चंगी तरह। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ लैटर टू यूर फ्रेंड अबाउट यूर विजिट टू यूर ग्रैंड पेरेंट्स, और राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सो ये दोनों एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना, राइट अ लैटर, उपर लैटर दिता गया है, लैटर लिखनी है अपने दोस्त नी दादा दादी जी या नाना नानी दे घर गए उतों की विजिट बारे थोड़ा किस तरह का एक्सपीरियंस लिया रहा उस बारे लैटर लिखनी है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिए अपने स्कूल के हैडमास्टर लैटर लिखनी है, चंगी तरह करके जाना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है नंबर 13, राइट अ पैराग्राफ ऑन वैसाखी, और राइट अ स्टोरी ऑन द हिडन ट्रेजर, सो हेठां दिते गए किसी भी दो विचों वैसाखी ते पैराग्राफ लिखो या कहानी लिखो द हिडन ट्रेजर दे विचों, ये भी 5 नंबर का है। फिर नंबर 14, राइट अ नोटिस टू ऑर्गनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, और यू आर पीटीआई ऑफ स्कूल, राइट अ नोटिस आस्किंग स्टूडेंट टू एनरोल फॉर योगा क्लासेस, सो ये 3 नंबर आते हैं। तुसी विच नोटिस तैयार करना है, सो एक भी ब्लड कैंप लग रहा है उस बारे, या तुसी स्कूल दे पीटीआई हो हाँ अपने स्कूल दे बच्चियां नू योगा क्लासेस लई कहना है, इस ते तुसी दो नोटिस तैयार कर रहे हैं, दोनों विचों कोई भी एक करना है जिहड़ा तुहानू आंदा है वह कर लेना, ये 3 नंबर का है। फिर है ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पंजाबी एंड हिंदी, हेठां दिते गए सेंटेंसां दे विचों कोई भी 3 करने हैं पंजाबी दे विच या हिंदी विच, इन्हां नू ट्रांसलेट करना है। इट वॉज अ लवली गार्डन, इन्हां नू पंजाबी विच ट्रांसलेट करना है या हिंदी विच कर सकते हो, जिहड़ा भी तुहानू सुखाला लगता है। फिर नंबर 16, ट्रांसलेट एनी ऑफ द 3 फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंग्लिश, उपर इंग्लिश तो पंजाबी विच करने सन, हेठां पंजाबी या हिंदी विच दिते गए इन्हां नू इंग्लिश विच करना है, दोनों ही 3 नंबर दे हन, 6 विचों जिहड़े भी 3 आउंदे हन चंगी तरह करने हन। फिर नंबर 17, मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तुहानू गुड हैंड राइटिंग साफ सोहना सुथरा लिखण दे 3 नंबर मिलणगे, सो पेपर नू बड़ा ही साफ सुथरा लिखना, कटिंग घट करना ते सोहना सोहना लिखना। सो ए सी 7th क्लास दा इंग्लिश दा पेपर दा पैटर्न, सो उम्मीद है आप सब नू अज लई इन्ना ही, धन्यवाद। जेकर वीडियो पसंद आवे साडे चैनल लाइक करो ते सबसक्राइब करो।